कानपुर की घटना के बाद अब मेरठ में एक व्यक्ति ने मकान की छत पर चढ़कर पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस दौरान एक गोली बैंक के गार्ड को लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की तो आरोपी एक मकान की छत पर चढ़ गया, जहां उसने काफी देर तक पिस्टल लेकर आतंक मचाया, जिसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं। हालांकि पुलिस ने 2 घंटों की मशक्कत के बाद बदमाश को दबोच लिया। खेड़ा गांव निवासी श्रीपाल उर्फ कालू नाम का ये शख्स पहले भी इस तरह की वारदात कर चुका है। आरोपी मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। ये श्रीपाल उर्फ कालू नाम का एक व्यक्ति है, सरदना थाना क्षेत्र का। एक सूचना मिली कि ये सिंडिकेट बैंक पर गया और सिंडिकेट बैंक में जो बैंक का गार्ड है उस गार्ड को इसने गोली मार दी। गार्ड को गोली लगने के बाद तत्काल थाने पुलिस वहाँ पर जैसे सूचना मिली 112 नंबर की गाड़ियाँ पहुँची, थाना पुलिस मौके पर पहुँची और इसको जब पुलिस ने घेरने का प्रयास किया तो एक छत पर चढ़ गया। इसके दोनों हाथों में कंटेनमेंट पिस्टल थे और कंटेनमेंट पिस्टल से लगातार फायर कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस टीम ने इसको लगातार घेर रखा। इस सूचना पर मुख्यालय से टीम पहुंची, साथ ही क्षेत्राधिकारी SP देहात और मैं मौके पर पहुंचे। 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद किसी तरह से इसको काबू में किया जा सका और पूरा पुलिस ने पब्लिक को क्षति और स्वयं की क्षति बचाते हुए इसको दबोचा और इस पूरी प्रक्रिया में इसको एक गोली लगी इसके पैर में और इसको अरेस्ट किया गया। इसके दोनों वेपन बरामद कर लिए गए जो पुलिस कस्टडी में है। उपचार हेतु इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। मुकदमा लिखकर कार्रवाई अग्रिम सुनिश्चित की जाए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।